होप यू गाइस कैन सी मी एंड हियर मी क्लियरली. आई विल जस्ट चेक कि ये यूट्यूब पे आ रहा है. हाय संस्कार, गुड टू सी यू हियर. आई होप यू आर एबल टू सी मी. अगर तुम मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो तो जस्ट अ हाय और अ हेलो. ओके, आई कैन सी माय सेल्फ. सो वेलकम गाइस. मैंने यू नो, मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया कि उनको जीके के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि मैं जीके रिलेटेड कुछ सेशंस लेना शुरू करता हूँ. तो जीके सबसे पहली बात तो ये, कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आता है. IFT में आता है और ZAT में आता है. तो ZAT की जीके के लिए मैंने सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से इसके बारे में आइडिया बनाऊँ. सो आई थॉट the best possible way to start preparing for GK is if we can go through its previous year paper to understand the kind of questions which get asked. And that's the reason, that's the agenda for picking this topic for today's class. Now, for those of you who might be joining me for the first time, my name is Ravi Handa. I have been teaching for CAT for close to 15 years. मैंने IMS में, टाइम में, करियर लॉन्चर में, इन सब जगह क्लासेस ली हैं. और इन क्लासेस के बाद मैंने अपनी वेबसाइट शुरू की थी handakafanda.com, जिसके थ्रू मैंने 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है. एंड आफ्टर दैट दी वेबसाइट गॉट अक्वायर्ड बाय अनअकैडमी, और अब मैं अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस लेता हूँ. अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी क्लास कब होती है, क्या शेड्यूल रहता है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, which is available at CAT Prep online. And through that, you will get complete information about how to, prepare for CAT. जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी. और आप, मैं बता रहा हूँ, आप वो सारी क्लासेस खत्म कर लोगे ना, तो मैथ का और LRDI का सिलेबस तो मेरी इन क्लासेस से बहुत ही आसानी से खत्म हो ही जाएगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अभी DI का एक कोर्स अनअकैडमी के प्लस वाले ऑप्शन के अंदर ले रहा हूँ. अनअकैडमी पे एक्चुअली दो टाइप के पेड कोर्सेज होते हैं, एक होते हैं प्लस और एक होते हैं आइकॉनिक. प्लस वालों में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि ये एक लाइव क्लास है जो चल रही है, वो आपको एक स्ट्रक्चर में मिलती है. पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, एक ऑर्डर रहता है, वो ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है. एंड इसके अलावा पर्सनलाइज गाइडेंस अगर आपको चाहिए कि मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन को प्लान करूं एंड ऑल ऑफ दैट, देन यू नीड टू गो इन फॉर द आइकॉनिक प्लान, जिसमें कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी. ये पर्सनलाइज गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ वन ऑन वन मेंटरिंग बाय टॉप बी स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग आपकी यहाँ पे हेल्प करते हैं. माय रिकमेंडेशन, अगर आप CAT की तैयारी कर रहे हैं, रादर आप CAT 21 की तैयारी कर रहे हैं, देन माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप जो 6 महीने का प्लान है वो आप लें, प्लस का, जो कि 16,400 का पड़ेगा. और इसके अंदर आप हांडा कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप 10% ऑफ भी ले सकते हैं. हाय किशले, गुड इवनिंग. किशले, मेरी आज ये चौथी क्लास है, पहले तीन में तुम थे नहीं शायद. देन जो 12 महीने का प्लान है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपके लिए वो मैं रिकमेंड करूँगा CAT 22 के लिए, दैट इज़ फॉर 22,500. क्योंकि अगर आप CAT 22 की तैयारी कर रहे हैं, देन माई रिकमेंडेशन विल बी कि आप आइकॉनिक प्लान देखें CAT 22 के लिए, बिकॉज दैट इज़ द वन विच विल हेल्प यू प्रिपेयर एंड प्रिपेयर वेल. एंड दैट इज़ फॉर 39,500. वंस अगेन, यू कैन यूज़ द कूपन कोड हांडा टू गेट अ 10% ऑफ. एंड द रीज़न वाई एम रिकमेंडिंग द 12-month प्लान हियर इज because you can get a 3-month subscription for free along with that. तो अगर आप आज register करते हैं तो October 22 तक आपका course valid रहेगा. तो ये है broadly preparation के लिए और ZAT के GK के लिए. तो मैंने क्या किया है, मैंने ZAT के GK के paper को लिया है और इस paper को अब हम discuss करेंगे. क्या मेरे को answers आते हैं? नहीं. मैंने अपने colleague को बोला, यार तुम बना के भेज दो, और उससे मेरे को जो भी थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़े बहुत गैसेस हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो वो आप चैट बॉक्स के अंदर लिखते हुए चलें. सो संस्कार, किशले, आर यू गाइज रेडी फॉर द क्वेश्चंस?
So these are questions from ZAT 2021. These are questions which appeared this year. Okay. Let's see. I think zyada log hai nahi kisliye, so I'll have to bank up on you to give me the correct answers. Okay, Nanda is also there. He can try as well. So let's see. The table below gives you the countries and capitals, aur aapko mereko inka country or capital batana hai. To Jamaica kahan ka capital? Jamaica ka capital kya hai? Cuba ka capital kya hai? Guyana ka capital kya hai? Aur Trinidad and Tobago ka kya hai? तो मुझे इसमें जमैका का पता है किंगस्टन है, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी क्रिकेट मैचेस वगैरह जो हैं फॉलो किए हैं और देखा है. क्यूबा, क्यूबन सिगार्स, हवाना सिगार्स होती हैं, उस वजह से मुझे क्यूबा और हवाना पता है. मैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और गुआना एंड पोर्ट ऑफ स्पेन उसमें कन्फ्यूज्ड हूँ. लेट्स सी, क्या पता मेरा इससे काम चल जाए. सो जमैका का P3 यानी कि ये तीन ऑप्शंस गए, चलो दो पे आ गया मैं. क्यूबा का हवाना, अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, दोनों में ही क्यू का टू है. तो अब आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल बी दिस और दिस, इट कैन बी एनी वन ऑफ देम, आई एम नॉट वेरी श्योर. बट जहाँ तक मुझे याद है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के भी जो मैचेस होते हैं शायद पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर होते हैं. आई एम नॉट 100%. जैसे जमैका के मैचेस किंगस्टन में होते हैं वेस्ट इंडीज वाले, वो तो मैं श्योर हूँ. ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के मोस्ट प्रॉब्ली पोर्ट ऑफ स्पेन में होते हैं. आई एम नॉट 100% श्योर ऑफ दैट. तो अगर मेरे को गेस मारना होता तो मैं बी या सी में से कोई गेस मारता, और मैं मारता R4 गुआना का जॉर्ज टाउन और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन. तो R4S1 मैं ऑप्शन बी इसमें गेस मारता. क्या आपको पेपर में गेस मारना चाहिए? 90% ऑफ द टाइम मैं बोलता हूं पेपर में कभी गेस मत करो. द ओनली प्लेस वेयर आई विल आस्क यू टू गेस इज जैट के जीके में आपको गेस करना चाहिए, क्योंकि जैट के जीके में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. और यू नो, जैसे इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी कोई कट ऑफ भी नहीं होती है. तो ऐसा नहीं है कि आपको 25 में से 10 लाने ही लाने हैं या 25 में से 5 लाने ही लाने हैं. आपका जब इंटरव्यू होगा तब वो लोग चेक करेंगे कि आपका कितना स्कोर था. अगर आपका स्कोर था 25 में से सपोज 20 के आसपास, यानी कि आपकी जीके बहुत अच्छी है, तो आपसे इस बारे में कुछ वो सवाल पूछ सकते हैं. और अगर आपका 25 में से स्कोर था 2-3, यानी कि तुम्हारी जीके एकदम बर्बाद है. भाई अगर तुम रैंडमली सब में बी 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 गेस मारोगे तो भी 20% क्वेश्चन तो सही होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से. तो 5 भी अगर तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा है, यानी कि तुम्हारी जीके एकदम खराब है, तो इस केस के अंदर फिर जो है ना वो तुमको काफ़ी जीके के लिए ग्रिल करेंगे. तो ऐसा नहीं होता है कि जीके जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देगा तुम्हारे सिलेक्शन या रिजेक्शन में. बट अगर तुम्हारी जीके बर्बाद है तो तुमको कॉल आने के बाद में भी कन्वर्जन नहीं होगा. हाँ किशले, जीके की वजह से, क्योंकि होता क्या है, देखो अगर तुम्हारा 2 या 3 स्कोर आया तो उन लोगों की नज़र में आ जाएगा, उन लोगों की नज़र में आ जाएगा तो वो इंटरव्यू में तुमको इसी के ऊपर रगड़ देंगे. तो बेसिकली जीके की वजह से तुम नहीं रिजेक्ट हो रहे हो, बट जीके की वजह से तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो जाएगा. और एक बार तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो गया तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे. तो बेसिकली तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने, बहुत कम नंबर नहीं लाने, मेरा काम चल जाए, ताकि इंटरव्यू में मुझसे जीके के बारे में नहीं पूछा जाए. बेसिक डिसेंट जीके होनी चाहिए तुम्हारी, कोई बहुत हाईफाई नहीं होने की जरूरत नहीं है. तो इस केस में आई विल गेस बी. और जस्ट अ रिमाइंडर, मैं हर स्लाइड के बाल में डाल के रखा है एज अ सेफ्टी स्लाइड, ताकि गलती से ऑप्शन नहीं आ जाए. हाँ किसले, 7-10 पे तो आराम से काम चल जाएगा. 7 से 7-10 इज अ वेरी गुड टारगेट. देन राइट आंसर इज इन डीड बी. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, From which organization was Timnit Gebru terminated recently? तो ये पता है, this shows, मेरे को अच्छे से याद है इसके बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा था और मैं tech related news काफ़ी पढ़ता रहता हूँ. ये December 2020 में हुआ था, और December 2020 में हुआ है, और जनवरी में इन लोगों ने question पूछ भी लिया है. यानी कि these guys ask questions on things which happen till December. Paper पहले से ही set होके नहीं रह जाता है. जीके के अंदर ये लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल के रखते हैं
So you will have to, you know, keep this in mind that they will have questions which are really, really current affairs. Ekdam jo tabhi ki tabhi hue ho. Iska answer, Google will be the answer here. हाँ, इस साल डेफिनेटली पूछ सकते हैं. करेक्ट आंसर. तो एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, वो आई थिंक डाइवर्सिटी इन टेक के ऊपर काम कर रही थी, तो कुछ तो उनके इंटरनल लफड़े हुए बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इश्यूज, जिसकी वजह से मतलब गूगल वाले तो बोलते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने खुद ने रिज़ाइन किया. गेब्रू बोलती हैं कि नहीं नहीं मैंने तो कोई रिज़ाइन नहीं किया, मैंने तो जस्ट बोला था, धमकी दी थी कि मैं रिज़ाइन कर दूंगी, बट उन लोगों ने मान लिया कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है. तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी भाई. लोग तो वरना ज्वाइन करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं. कंट्रोवर्सी तभी हो जाती है जब यू नो फायरिंग के जो रीजंस हैं वो रीजंस नॉन कॉम्पिटेंस वगैरह नहीं है, बट अदर रीजंस की वजह से, जो कि डाइवर्सिटी के रीजंस की वजह से उनको ऐसे मैनिपुलेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या होगा. विच वाइल्ड लाइफ National Park is identified and prepared to translocate Asiatic lions from Gir National Park. तो जो गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर लायंस हैं उनको कहाँ ट्रांसफर करने की बात हो रही है. तो जी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है. मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि सतपुरा जो है वो एमपी में है, तो गिर से एमपी जा सकते हैं, गिर से एमपी जा सकते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर. कूनो इज ऑल्सो अ बिग नेशनल पार्क, तो कूनो भी हो सकता है. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस. मैं इसमें कुछ भी रैंडमली तुक्का मार दूंगा. आई हैव नो आइडिया. मैं तो इसमें कुछ भी तुक्का मार देता. अगर आप लोगों ने कूनो मारा है, पेंच मारा है, एक काम करो किशले राकेश, ऑनेस्टली अपने हिसाब से सोच के एक पेन पेपर ले लो और अपने स्कोर काउंट करते हुए चलो कि तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है. अगर तुम्हारा स्कोर जो है वो 15 के आसपास है तो कोई तुम्हें चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, तुम जीके जो है भूल जाओ, 15 या प्लस है. तो अगर तुम्हारा स्कोर जो है वो 7-8 से लेके 15 के बीच में है तो ठीक है, तुम्हें प्रिपरेशन अपनी करती रहनी पड़ेगी और रेगुलरली तुम्हें करना पड़ेगा. हफ्ते में 1 घंटा दोगे काफ़ी है. अगर तुम्हारा स्कोर 7 से कम आता है तो तुम्हें जीके के ऊपर बहुत सीरियसली काम करना होगा, न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ने होंगे. तो यू डू दैट and get an estimate of where you stand. इसका आंसर है कूनो नेशनल पार्क. तो मध्य प्रदेश में है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स सेट टू बी द न्यू होम फॉर द रीलोकेटेड एशियाटिक लायंस फ्रॉम गिर. तो वहाँ से लायंस को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं. इट हैज़ बीन 29 ईयर्स सिंस कूनो पालपुर वॉज आइडेंटिफाइड एज द साइट फॉर द रीलोकेशन ऑफ द एशियाटिक लायंस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन. अच्छा, तो मतलब 30 साल से प्लानिंग चल रही है इसकी. चलो अच्छा हो तो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के बैचेस जो हैं वो रेगुलरली लॉन्च होते रहते हैं. कैट 21 के लिए हम लोगों के मल्टीपल बैचेस हैं जो कि शुरू हो रहे हैं. आप इनमें से कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ, ये मेरे को पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैनिश डिपेंडेंसी, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री, कौन सी जगह डेनमार्क के ऊपर डिपेंड करती है. इसका भी एक्चुअली जो है ना, लास्ट ईयर बहुत हल्ला हुआ था. ट्रंप ने जो है डेनमार्क के साथ बात की थी कि नहीं, वहाँ पे तुम्हारा क्या चल रहा है वो हम खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऑल दैट. तो उस टाइम पे काफ़ी ये जगह न्यूज़ में आई थी लास्ट ईयर, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इन लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है. दी आंसर फॉर दिस वन, राकेश किशले दोनों ने सही दिया है, इज़ इंडीड ग्रीनलैंड. It's the world's largest island and an autonomous Danish dependent territory with limited self-government and its own parliament. So, वहाँ पे government है, parliament है, but बहुत ज़्यादा वहाँ लोग नहीं हैं, इसलिए वो Denmark पे ही depend करते हैं. Next one. 15-year-old Geetanjali Rav was recently in the news. What best describes her? तो वो recently news में थी उस point of time पे. आई एम सॉरी, मुझे तो याद नहीं है, बट लेट्स सी ऑप्शंस में से अगर मुझे तुक्का मारना होगा तो मैं क्या मारूंगा. साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर हु वन टाइम्स किड ऑफ द ईयर इन 2020, हो सकता है. एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हु वन द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर,
ये तो पक्का नहीं है, क्योंकि जो भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनता है उसके बारे में तो कहीं ना कहीं न्यूज में आ ही जाता है, मैं देख ही लेता हूं, तो बी तो पक्का नहीं होगा. शी इज एन एक्ट्रेस हु रिसेंटली साइन फॉर एन अपकमिंग हैरी पॉटर मूवी. हाँ ये भी हो सकता है, 15 साल की है, हैरी पॉटर की मूवी के अंदर रोल भी हो सकता है. बट हैरी पॉटर की अभी और मूवीज बन भी रही हैं. आई डोंट रियली थिंक दैट हैरी पॉटर मेनी मूवीज आर बींग मेड, सो दिस विल बी लो प्रायोरिटी. शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू हैव बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द चेस ग्रैंड मास्टर इन 2020. हो सकता है, अगेन दिस लुक्स लाइक अ हाई प्रायोरिटी. भाई यंग भी है, न्यूज में रही है. चेस वगैरह मैं तो उतना फॉलो करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को भी सीरियसली कंसिडर करूंगा. शी इज अ नॉवलिस्ट एंड द यंगेस्ट वन टू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू फॉर द पुलित्ज़र प्राइज. अगेन कोई इंडियन अगर पुलित्ज़र प्राइज के लिए नॉमिनेट होता तो उसकी इतना हल्ला हो जाता है, इतनी न्यूज बन जाती है, और 15 साल का होता तो बहुत ज्यादा न्यूज बन जाती है. आई एम श्योर मेरे को ये पता होता, तो बी और ई भी नहीं है. तो मुझे अगर गेस करना होता तो मैं ए और डी में से इसमें कुछ गेस करता, सी मेरे लिए एक लो प्रायोरिटी ऑप्शन रहता. सो लेट्स सी आंसर इसका क्या है. कोई गेस करना चाहोगे तुम लोग? किशले, राकेश, वॉल बी योर गेसेस. किशले का ए, राकेश तुम्हारा डी और ए. ठीक है, देखते हैं. राइट आंसर इज ए. शी इज अ साइंटिस्ट एंड एन इन्वेंटर हु वन द टाइम किड ऑफ द ईयर इन 2020. तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार यहाँ पे जो है ना, कल मैं एक और क्विज कंडक्ट करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा अभी, आई थिंक उस पर आते हैं. तो चलो वंस अगेन मैच द फॉलोइंग मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक दो भी आते हो ना तो कम से कम उससे अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है कि वाइल्ड एनिमल स्पीशीज को कहाँ पे वो लोग नेचुरली अकर करते हैं, मुझे उसके बारे में बताना है. तो फंगाई, टाइगर, जेडन काउसर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड एशियाटिक लायन. भाई एशियाटिक लायन, टाइगर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन तीन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है. संगई और जेडन काउसर ये तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होते हैं. चलो देखते हैं. अब एशियाटिक लायन तो गिर में है, ये तो मुझे पता है. ओके और तो टाइगर जो है वो काना में है, ये भी मुझे पता है. तो क्यू का 5 होना चाहिए और टी का 2 होना चाहिए. क्यू का 5 इन चार में है और टी का 2 भी चार में है. बेसिकली ये वाला गया और ये वाला गया. अभी भी मेरे पास में 3 ऑप्शन बचे हैं. तो एफ के लिए है 1, 3, 4. सो श्री लंकेश्वरा नहीं पता, 3 करेरा वाइल्ड लाइफ नहीं पता, क्यूबिल लमजाओल नेशनल पार्क. भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जहाँ तक मेरे को आइडिया है, ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये लुक्स लाइक नॉर्थ ईस्ट वगैरह के अंदर. नॉर्थ ईस्ट वगैरह तो के अंदर बस्टर्ड तो नहीं होगा, इट हैज़ टू बी वन ऑफ दीज. सो आई विल नॉट गेस दिस. बी और डी में से कुछ ना कुछ इसका आंसर होना चाहिए. श्री लक्ष्मणेश्वर आइए, कोई साउथ इंडियन लग रही है. बस्टर्ड वहाँ हो सकता है, करेरा भी हो सकता है. आई थिंक बी और डी में से कुछ एक ऑप्शन होना चाहिए इसका. नम्रता बोलती हैं बी, राकेश बोलते हैं डी. लेट्स चेक. राइट आंसर इज डी. तो डी क्या है? डी था अपना P4. तो संगई है केवल नेशनल पार्क. टाइगर का तो मुझे पता ही था कि काना है. आर का 1, जेडन काउसर का है श्रीलंकेश्वर, लक्ष्मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एशियाटिक लाइन का गिर मुझे पता ही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का करेरा. सो डी विल बी माय आंसर हियर. ओके चलो, और कुछ नहीं तो आज की क्लास से कुछ सीखने को ही मिला, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये कभी भी आ सकते हैं. विच इंडियन बिजनेस, ये मेरे को पता है. विच इंडियन बिजनेस ग्रुप बिल्ड द ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप HMS Minden on which the lyrics of the national anthem of United States of America was supposedly written. ये काफ़ी कॉमन है क्विजेस वगैरह के अंदर क्वेश्चन. बट आप ये सोचो कि ब्रिटिश और अमेरिका के अंदर झगड़ा हुआ था
रॉयल यू नो ये इस सब के लिए है. तो वो 1776 के अंदर अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, तो काफ़ी पुरानी कंपनी होनी पड़ेगी इसको. अब मुझे ये भी पता है कि चाहे तो वो बिरलाज हों चाहे वो बजाज हों, टाटा फिर भी पुराना है 100-150 साल, बट गोदरेज, बजाज, बिरला, ये तीनों तो डेफिनेटली उतने पुराने नहीं हैं भाई. बजाज और बिरला ये दोनों हैव बिकम यू नो पार्टीशन के टाइम के ऊपर ये लोग काफ़ी बड़े थे, गांधी जी के साथ में इन्वॉल्व थे. टाटाज भी इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट वर इन लेट 1800s, तो टाटा भी नहीं हो सकता है. एंड दैट इज़ हाउ आई कैन एलिमिनेट मोस्ट ऑफ दीज ऑप्शंस एंड से द वाडियाज आर द आंसर फॉर दिस. The Wadia Group is an Indian multinational group headquartered in Mumbai. The group was founded by Lovji Nusriwanji Wadia in 1736. 250 साल हो गए हैं, नहीं ज़्यादा, 200-300 साल पुरानी कंपनी है ये वाडिया ग्रुप की. तो जो मैं आपको बता रहा था कि मैं कल भी एक क्विज कंडक्ट करूँगा, और कल जो मेरा ये तो जैसे हम लोग जैट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं, कल मैं अपने क्वेश्चंस के साथ में आपसे डिस्कस करने आऊँगा एक स्पेशल क्लास के दौरान. उससे क्या होगा कि आप वो पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे. और उस क्विज के अंदर क्या होता है, एक पोल का फीचर रहता है. आई थिंक किशले ने शायद पहले वाले पोल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें आप करते हो तो आपका टाइम वाइम रिकॉर्ड होता है और आपका विनर वगैरह मिल जाता है. वाडिया क्या बनाते हैं, वाडिया बनाते हैं ब्रिटानिया बिस्किट्स, वो वाडिया की कंपनी है. बॉम्बे डाइंग, वो वाडियास की कंपनी है. और क्या है वाडियास का, ये गोयर, वो वाडियास की कंपनी है. मल्टीनेशनल ग्रुप है, बहुत कुछ बनाते हैं, बड़े लोग हैं. सो दीज आर दी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस दैट वी हैव प्लान्ड. तो कल शाम को 7 बजे ये क्विज है जो कि आपको जीके के लिए हेल्प करेगा. एंड वेडनेसडे को मैंने एक लंबा सेशन रखा है, दैट इज 3 क्लासेस ऑन लॉगरिथम्स, जो कि आपको पूरा का पूरा लॉग उनके थ्रू मैं पढ़ा दूंगा. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो गो थ्रू द लिंक्स नोटिफिकेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, नीचे क्विज के और लॉग के तीनों जो ऑप्शंस हैं, चारों जो लिंक्स हैं, वो लिंक्स मैंने आपको दे रखे हैं, सो यू कैन गेट दी लिंक्स फ्रॉम देयर. ये मेरे बाकी स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल हो गया. चलो ओलंपिक के ऊपर क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ डेब्यू इवेंट इन द समर ओलंपिक्स ऑफ 2024. भाई देखो, कबड्डी और क्रिकेट तो नहीं है, क्योंकि कबड्डी और क्रिकेट होता तो इंडिया के मेडल लाने के चांसेस बढ़ जाते और पूरा अगेन बहुत बड़ी न्यूज हो जाती. ग्रेको रोमन रेसलिंग, ये तो ऑलरेडी जो हमारी रेसलिंग होती है वो ग्रेको रोमन रेसलिंग ही होती है, तो ये तो ऑलरेडी है. बचा क्या, ब्रेक डांसिंग और बैले. अब यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, ब्रेक डांसिंग मतलब ओलंपिक के अंदर कुछ भी आ सकता है क्या आजकल, तो इट कुड बी हिमांशु. नहीं, क्रिकेट तो नहीं है. क्रिकेट के लिए तो अभी आईसीसी ने अभी हल्ला करना चालू किया है, और ये बोल रहे हैं 2024 में इंक्लूड हो गया. हल्ला करना तुम अभी चालू करोगे ना, कम से कम 8-10 साल लगेंगे, ओलंपिक्स है. तो ब्रेक डांसिंग भी हो सकता है, बैले भी हो सकता है, ये तीन तो नहीं है इसके बारे में मैं श्योर हूँ. बट आई एम सरप्राइज, मेरे को मतलब पता नहीं है कि यार ये सब डांसिंग वांसिंग भी जो है आजकल ओलंपिक इवेंट्स के अंदर आने लग गया है. दिस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ ओलंपिक स्पोर्ट, बट फेयर इनफ, लेट्स सी. हाँ, बैले इज लाइक जिमनास्टिक्स, तो आ सकता है, देखते हैं. राइट आंसर इज ब्रेक डांसिंग. इस बार कौन सा एक नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या बताना चाहोगे, विच स्पोर्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस दिस ईयर, नया स्पोर्ट? Would any of you like to tell me that? Surfing हुआ है और skateboarding भी हुआ है, I think हो सकता है और भी हो, मुझे idea नहीं है. In India, where did Mahatma Gandhi stage his first major satyagraha? Indian history से है, again thankfully मेरी history थोड़ी ठीक है तो मुझे पता है कि कहाँ पे ये पहला सत्याग्रह हुआ था. आप वहाँ पे जाओगे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा म्यूजियम भी बना रखा है, मैं गया नहीं हूँ, मैंने फोटोज़ देखी हैं उस म्यूजियम की. एंड किशले इज़ राइट अबाउट दिस, इट इज़ इंडीड
चंपारण बिहार में ये कहानी शुरू हुई थी। इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ था। झारखंड का मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर अभी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली रघुवर दास रह चुके हैं, शिबू सोरेन भी रह चुके हैं, और अभी हैं हेमंत सोरेन जो कि शिबू सोरेन के बेटे हैं। खाली सोरेन से काम नहीं चलेगा राकेश, दो ऑप्शन है। शिबू सोरेन आई थिंक दूसरे या तीसरे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड थे, आई थिंक अर्जुन मुंडा थे पहले वाले, या कौन थे, आई एम फॉरगेटिंग हु वॉज द फर्स्ट, बट अर्जुन मुंडा वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। शिबू सोरेन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट टू थ्री चीफ मिनिस्टर्स। द आंसर फॉर दिस इज हेमंत सोरेन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मैं भूल गया हूँ कि कौन था फर्स्ट, मुझे याद तो था बाबूलाल मरांडी थे फर्स्ट, बाबूलाल मरांडी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, नो बाबूलाल मरांडी, मेरे को याद था, मेरे को नाम स्लिप हो रहा था इसलिए मैंने अभी जस्ट गूगल किया। द आंसर फॉर दिस इज ऑब्वियसली हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो हैं वो झारखंड के मिनिस्टर हैं, वो पहले भी सर्व कर चुके हैं थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई 2013। उनकी जो पार्टी है उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस हाउसेस द फेमस पिलग्रिमेज अमरकंटक। यहाँ तो मैं गया हुआ हूँ, बहुत बढ़िया वहाँ पे एक झरना वगैरह और वाटरफॉल्स भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत अमरकंटक में आपको नजर आते हैं। कौन सी हिल्स हैं वहाँ पे, आप बताना चाहोगे? सतपुरा हिल्स, राकेश इज एब्सोल्युटली राइट, द आंसर फॉर दिस इज सतपुरा हिल्स। अमरकंटक जो है ये अन्नूपुर मध्य प्रदेश के अंदर आता है और एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज एरिया है, क्योंकि यहाँ पे विंध्यास और सतपुरा रेंज जो हैं वो मिलती हैं, विंध्यास और सतपुरा रेंज यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द फेमस बुक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। कुछ नहीं पता है हमको इसके बारे में, क्योंकि मतलब कई बार आपको लगता है ना कि नहीं यार, विनोबा विनायक भावे जो थे या बाल गंगाधर तिलक, वो लोग किताबों के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए फेमस नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो और नॉट, बट भीमराव अम्बेडकर जो थे उनकी बुक्स के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशंस ने आरबीआई को बनाने में एक, जो अभी हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। सो हम लोग बी आर अम्बेडकर को जानते हैं एज समवन हु हैज ड्राफ्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ प्रोबेबली यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट ही डिड, बट अलॉन्ग विद दैट उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक्स के ऊपर भी काम किया था, रुपी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी काम किया था कि रुपी की क्या हिस्ट्री है, रुपी को कैसे हम लोगों को डिवैल्यू करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो कुड बी एनी वन, मेरे को तो आइडिया नहीं है, लेट्स सी क्या आंसर है। आंसर इज डी, जोसेफ जेसी कुमारप्पा इज द आंसर फॉर द बुक ऑन इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी अनअकैडमी के वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट नजर आता है तो हमेशा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उस लिंक के थ्रू आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 ऑन योर स्क्रीन नाउ। Dries Mertens recently became the highest goal scorer for the football club Napoli, surpassing the tally of 115 goals across all competition. Whose goal scoring record did he surpass? तो अब यार ये मेरे को नेपोली क्लब के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता है कि उसके लिए डियागो मैराडोना खेला करते थे। पेले नहीं, आई थिंक इट शुड बी मैराडोना। पेले प्लेड फॉर नेपोली ऑल्सो क्या? I'm not sure of that. मुझे जहाँ तक याद है Maradona was the one who played for Napoli. But हो सकता है पहले हो, my soccer funda might not be exact. It is indeed Maradona, who was an Argentine football player, widely regarded as
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. उनकी डेथ, अच्छा हाँ ये एक और बात आप तुम सोचो कि भाई 2021 के पेपर में आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ रिसेंट न्यूज़ में हुआ होगा. तो अगर उस वक्त ही मैराडोना की जो डेथ है वो नवंबर में हुई है, सो दैट मीन्स कि उससे मेरा भी एक लिंक बनता है. मैं वो चेक कर रहा हूँ जो कि बोला था अभी राकेश ने कि नपोली जो है वो पेले के, वो नपोली में पेले भी खेला करते थे. ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा है. आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड, यू नो, पेले के बारे में मुझे सैंटोस का याद है. एग्जैक्टली राकेश, हाँ सैंटोस मेरे को भी याद था कि पेले के लिए सैंटोस था, नापोली वॉज मैराडोना. चलिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्लोबल टीचर प्राइज? अगेन दिस आई नो बिकॉज आई एम एक्टिव ऑन ट्विटर, और ट्विटर पे जब इनको प्राइज मिला था तो पीएम मोदी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था. इनकी खुद की भी ट्विटर के ऊपर प्रोफाइल है, दैट इज वाई आई नो एंड रिमेंबर. सो दिस इज अगेन, आई थिंक ये नवंबर दिसंबर के अंदर ही प्राइज अनाउंस हुआ था. तो जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है ना, तो वो देखो लास्ट के एक दो महीने से ही आ रहा है, एक दो महीने से ही आ रहा है करंट अफेयर्स. सो दिस इज, एनी गेसेस फॉर दिस वन? कुछ गेस करना चाहोगे? राकेश किसले, द आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन डी, रंजीत सिंह दिसाले. दैट्स द आंसर हियर. $1 million का उनको प्राइस मिला था. ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड इफ माई मेमरी सर्व्स मी राइट, उन्होंने इसकी पूरी की पूरी जो प्राइज मनी थी वो उन्होंने डोनेट कर दी थी, इफ माई मेमरी सर्व्स मी राइट. अन अकेडमी पे हम लोग कुछ वर्कशॉप्स भी चालू करने वाले हैं, उनके लिए भी आप जाके ऐप के ऊपर एनरोल कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंडियन आईटी कंपनी. ओके, तो हाँ इनमें से कौन हो सकती है भाई? देखो अब मुझे सबके बारे में जो है ना, इन सबको मैं जानता हूं. किरण मजूमदार शॉ कौन है, कौन सी कंपनी चलाती है? विच कंपनी डज किरण मजूमदार शॉ रन? शी वॉज प्रॉबली द फर्स्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनेयर फ्रॉम इंडिया. बायोकॉन इज द कंपनी दैट शी रन. गीता गोपीनाथ जो हैं वो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा ये HCL चलाती हैं, ये शिव नादर की बेटी हैं. चंदा कोचर ICICI को हेड किया करती थी. अरुंधति भट्टाचार्य SBI को हेड किया करती थी. तो मुझे इन सब के बारे में पता है. तो यार अगर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि IT के अंदर कौन है? IT में काम ही खाली रोशनी नादर करती हैं, तो वही होगा. यस किशले फ्रॉम दी IMF, शी इज एन इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट करंटली एट दी IMF. सो रोशनी नादर मल्होत्रा इज दी आंसर फॉर दिस वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OECD मेंबर? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कौन कौन OECD का मेंबर होगा नहीं होगा भाई? SAARC की लिस्ट क्या है मुझे पता है, G7 क्या है मुझे पता है, G20 V20 पता रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लिस्ट लंबी हो जाती है, बट OECD के मेंबर कौन है ये पता लगना मुश्किल है. तो बट अगर मुझे कुछ गेस करना होगा ना इसमें, तो मैं गेस करूंगा कि उसका आंसर होगा ताइवान. क्यों? मेरा रीजन ताइवान गेस करने का ये है कि चाइना को ताइवान से जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, चाइना को ताइवान से जो है वो बहुत प्रॉब्लम रहती है, उसको अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वगैरह अगर मिलता है तो चाइना वाले जो है ना वो कुछ ना कुछ अड़ंगा अटकाते रहेंगे. इसलिए देयर इज अ रीजनेबली हाई प्रोबेबिलिटी कि इसका आंसर ताइवान होना चाहिए. लेट्स सी, द आंसर इज इंडीड ताइवान फॉर दिस. राकेश इज राइट, मतलब गेस करना ही है भाई, पता तो नहीं है, गेस करना ही है, तो कुछ इस लॉजिक से गेस किया एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर. नाउ विजय प्रसाद डिस्कशन इवेंट एट द ऑनलाइन टाटा लिटरेचर लाइव was cancelled. Who was to feature in the discussion with Vijay Prasad? तो इनमें से कौन controversial figure हो सकता है जिसका कि ये जो है discussion cancel हो जाए? भाई अर्णब गोस्वामी तो नहीं होगा. इंडिया में जो है अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अर्णब गोस्वामी
कि इवेंट को कैंसिल कर दिया जाए। रामचंद्र गुहा भी थोड़े से जो हैं फेमस हैं, बट अगेन नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल इनफ टू गेट द इवेंट कैंसिल। खालिद हुसैनी का भी होना, खालिद हुसैनी इज अ वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर। खालिद हुसैनी इज द वन जिन्होंने वो थाउजेंड सन्स और काइट रनर जैसी किताबें लिखी हैं, तो ये भी अनलाइकली है। डगलस स्टुअर्ट कौन है मुझे पता ही नहीं है। नॉम चॉम्स्की का फिर भी मैंने नाम सुना हुआ है। मेरे को इन दोनों में से गेस करना होगा तो मैं सी गेस करूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि डगलस स्टुअर्ट कौन है। मेहुल चोकसी वॉज दी स्कैमर, ये चोकसी नहीं है यार, नॉम चॉम्स्की है। बहुत बड़े ये फिलोसफर और लिंग्विस्ट हैं फ्रॉम द US, बहुत फेमस भी हैं। सो अवराम नॉम चॉम्स्की इज द आंसर। ही इज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, सोशल क्रिटिक। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड एनालिटिकल फिलोसफी में इनका काफ़ी नाम है। मेहुल चोकसी तो इंडियन आदमी था जो भाग गया। वॉट इज हायाबूसा 2? हायाबूसा तो बाइक होती है, तो कार्टून सीरीज, जापानीज अडाप्टेशन ऑफ स्टार वॉर्स, नेम गिवन टू द म्यूटेटेड, नहीं ये तो नहीं है यार। कोरोना वायरस के बारे में तो इतना पढ़ लिया, ये तो नहीं है। न्यू स्मार्टफोन बेस्ड ऑन लिनक्स, स्मार्टफोन होता तो भी अभी तक खबर में आ ही गया होता, और लिनक्स बेस्ड होता तो ये भी नहीं है। एस्ट्रॉइड सैम्पल रिटर्न मिशन बाय जाक्सा, जाक्सा बेसिकली जापान की नासा है या जापान की इसरो है, तो इट इज़ द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी हो सकता है यार, कुड बी एनी ऑफ दीज, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दीज, कुड बी एनी ऑफ दीज। द आंसर इज ई, हायाबूसा इज द एस्ट्रॉइड सैम्पल रिटर्न मिशन ऑपरेटेड बाय द जापानीज एजेंसी जाक्सा। इट्स सक्सेसर टू द हायाबूसा मिशन विच रिटर्न एस्ट्रॉइड सैम्पल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2010। ओके, बाइक हायाबूसा जो बाइक है उसका नाम तो मेरे को पता था, बट आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। रिमाइंडर, हर संडे को हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्ट लेने के लिए संडे को 12 बजे होता है, आप पार्ट ले सकते हैं। हांडा कूपन कोड का भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट GI टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया, तो पहला प्रोडक्ट कौन सा रहा होगा भाई? बहुत सारे हो सकते हैं, ये सारे होते हैं, बट आई थिंक अगर देखो उड़ीसा रसगुल्ला, ये तो कहानी अभी रिसेंटली आई है, कहानी रिसेंटली आई है, तो ये तो नहीं हो सकता है। माई सजेशन, माई गेस वुड प्रॉबेबली बी दार्जिलिंग टी, क्योंकि ये काफ़ी पुराने टाइम से जो है वो दार्जिलिंग टी वगैरह का नाम चले आ रहा है। मधुबनी पेंटिंग्स को भी मिला हुआ है, ये मेरे को पता है। मैसूर सिल्क को भी मिला हुआ है, ये भी मुझे पता है। इफ़ आई हैव टू गेस आई वुड प्रॉबली गो विद ऑप्शन डी इन दिस। GI टैगिंग होता है जियो टैगिंग। भाई मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, जैसे कहते हैं ना कि दार्जिलिंग की चाय जो है वो बहुत फेमस है, आगरा के लड्डू जो हैं वो बहुत फेमस हैं, वो खाली बोल देने से कि हाँ जी बहुत फेमस है वैसे काम नहीं होता है। आप इनके लिए GI टैगिंग ले सकते हो, कि GI टैगिंग लेने से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, GI का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रोडक्ट, तो एक काइंड ऑफ ठप्पा लग जाता है कि यार ये जो चाय है भाई, अब 500 लोग चाय हैं, सब लोग दार्जिलिंग टी के नाम से बेचने लग जाएंगे, जयपुर में चाय बन रही है उसको भी तुम दार्जिलिंग टी के नाम से बेचने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। देखना हर शहर में होते हैं वो पंडित पाव भाजी वाले, न्यू पंडित, सेम ओल्ड पंडित, फर्स्ट ओरिजिनल पंडित पाव भाजी वाला, वो हर जगह मिल जाएगा तुमको। तो ये जो GI टैगिंग होती है, ये लोग वेरीफाई करते हैं कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, दार्जिलिंग से ही निकली हुई चाय है या नहीं, सिल्क जो है वो मैसूर से निकला हुआ सिल्क है या नहीं। ओनली आफ्टर दैट वेरिफिकेशन उसको वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया जाता है, जिससे कि ये लोग फिर एक प्रीमियम दुनिया में काम में ले सकते हैं। राइट आंसर इज इंडीड दार्जिलिंग टी, क्योंकि दार्जिलिंग टी काफी पहले से चला आ रहा है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ कैफे कॉफी डे? सो कैफे कॉफी डे के अंदर बेसिकली VG सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया था, तो उस वजह से CEO उनके रिप्लेस हुए थे, तो ये तो नहीं होगा। बट
कौन बना था, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, उनकी वाइफ ही अपॉइंट हुई थी, बट मेरे को ये नहीं पता है कि उनकी वाइफ थी कौन, हाँ यस, वीजी सिद्धार्थ डाइड, आई थिंक ही कमिटेड सुसाइड, काफ़ी उस टाइम पे न्यूज़ भी आई थी, सो नॉट श्योर हु द आंसर कुड बी, बट लेट्स चेक, मालविका हेगड़े, यस, अच्छा, अरे यार वीजी सिद्धार्थ का पूरा नाम वीजी सिद्धार्थ हेगड़े था ना, इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे, यही दिक्कत है, क्योंकि मुझे वीजी सिद्धार्थ तो याद था, वीजी सिद्धार्थ का पूरा नाम था वीजी सिद्धार्थ हेगड़े एंड हिज वाइफ इज मालविका हेगड़े एंड दैट विल बी द आंसर हियर, जो है वो लोग कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, अगर वहाँ पे हेगड़े लिख देते तो मुझे याद था कि उनकी वाइफ बनी थी, मैं मार्क कर देता, बट वहाँ पे उन्होंने हेगड़े लिखा ही नहीं. हु वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आई थिंक यूपी की थी, नहीं ये अनवरा तैमूर भी हो सकती हैं फॉर असम, आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस, कुड बी अनवरा तैमूर, नंदिनी सतपति वो भी हो सकती है, मेरे को पता नहीं है, सुचेता कृपलानी ही आंसर है इसका, सुचेता कृपलानी वॉज फॉर उत्तर प्रदेश, जो कि मेरे को लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यूपी की रही थी सुचेता कृपलानी, तो वही इसका आंसर होगा, सो इट इज इंडीड ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी फॉर यूपी. अन अकेडमी पे एक आस्क अ डाउट का भी फीचर रहता है, जिसमें आप कभी भी किसी भी डाउट की फोटो खींच के हमें भेज सकते हैं, ईदर मी और समवन फ्रॉम आवर टीम विल क्लैरिफाई द डाउट फॉर यू. ट्रेडोस एडहोनम हैज बीन इन द न्यूज, अरे तो इतनी बार बेचारे WHO वाले वो अपनी मुच्छड़, इतनी सारी उन्होंने कॉन्फ्रेंसेज वगैरह की हैं, ये तो मेरे हिसाब से पता, WHO कहाँ दिख रहा है, ये डायरेक्टर जनरल फॉर द WHO, आई थिंक इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO, इथियोपियन बायोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी टाइम से वो डायरेक्टर जनरल रहे हैं. वॉट इज द नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट, बापरे नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, टर्की एंड ईरान, रशिया एंड उज़्बेकिस्तान एंड रशिया एंड यूक्रेन, कुछ नहीं पता है मेरे को इसके बारे में. नंद एज वेल एज राकेश बोल रहे हैं बी, हो सकता है, लेट्स चेक. कॉन्फ्लिक्ट्स देश दुनिया में ख़त्म नहीं होते हैं राकेश, चलते ही रहते हैं. द लास्ट टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेवर गोइंग, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स तो जो है वो कभी नहीं खत्म होने वाले, क्योंकि वो टेरिटरी हमेशा कंटेस्टेड रहेगी. तुम्हें क्या लगता है इंडिया पाक हमारे टाइमलाइन के अंदर कभी सॉल्व होने वाला है? नहीं, नए कॉन्फ्लिक्ट्स बनते जाएंगे, जैसे कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स डिडंट यूज टू बी दैट मच ऑफ एन इशू, बट दे हैव बिकम दैट मच ऑफ एन इशू, सो कॉन्फ्लिक्ट्स विल कीप कमिंग एंड कीप गोइंग. इट इज बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, इट्स पार्ट ऑफ अज़रबैजान, बट इट्स पॉपुलर, ओके, बट इट्स पॉपुलेशन इज मेजरली आर्मेनियन, तो इस वजह से इनके बीच में दिक्कत चल रही है. मैं इसके बारे में आज ज़रूर पढ़ूंगा, एंड मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप एनकाउंटर करते हो जिसके बारे में आपको हवा ही नहीं है, देन प्लीज़ गो एंड रीड अबाउट दैट, क्योंकि वैसे ही आपकी नॉलेज जो है बढ़ेगी एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, कोर्सेरा पे कोर्सेज चलते हैं, यूडेमी पे कोर्सेज चलते हैं, डुओलिंगो आपको इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह सिखाता है, खान अकेडमी पे आपको फ्री वीडियोस मिलते हैं, पेट्रियन जो है आपको वो करता है, क्या कहते हैं, एज अ पेट्रन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप किसी को भी पैसे डोनेट कर सकते हैं या किसी को भी रेगुलर कि अच्छा हाँ, और मान लो जैसे तुमको अच्छा लगता है कि यार हांडा इतनी क्लासेस ले रहा है फ्री में, अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग हांडा को जो है हर महीने 200 रुपया डोनेट करें, तो वो कैसे करोगे, वो आप पेट्रियन के थ्रू कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, मेरे को तनख्वाह मिलती है इस काम करने की, तो
दैट्स नॉट रिक्वायर्ड बट दैट्स इसेंशियली द मॉडल ऑफ पेट्रियन. और बहुत सारे यूट्यूब पे आज की डेट में कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इन्हीं डोनेशंस के थ्रू चल रहे हैं. तो आपको जो भी यूट्यूबर अगर अच्छा लगता है तो उनके साथ में आप ये डोनेशन वाला जो है ऑप्शन ज़रूर करें. सो द आंसर फॉर दिस इज ऑब्वियसली पेट्रियन. Arecibo telescope, known for its contribution in the field of astronomy, collapsed recently. Where was it located? अच्छा, ये जो टेलीस्कोप है ये कोलैप्स कर गया, ये कहाँ पे था? आई एम सॉरी, अगेन आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. कुछ भी हो सकता है, जमैका, बहामास, प्यूर्टो रिको, गुआम और पपुआ न्यू गिनिया. मुझे अगर गेस करना होगा ना तो मैं जमैका, बहामास एंड पपुआ न्यू गिनिया नहीं गेस करूंगा. एंड माय रीज़न फॉर दैट इज क्योंकि मेरे को इतना आइडिया इनकी इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इनकी इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है. तो कहाँ से ये लोग इतने टेलीस्कोप वगैरह अफोर्ड कर पाएंगे जो कि ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं. प्यूर्टो रिको एज वेल एज गुआम को अमेरिका का काफ़ी सपोर्ट रहता है, तो हो सकता है इन लोगों ने वहाँ जाके लगा दिया. आई डोंट नो, दैट इज़ माई रीज़न फॉर अ गेस. एकदम फालतू रीज़न है बट कुछ ना कुछ गेस तो करना ही है. क्वेश्चन कोई भी पेपर में छोड़ के नहीं आना है, ये ध्यान रखने वाली बात है. यू शुड नेवर लीव अ क्वेश्चन इन दी एग्जाम, क्योंकि गेस करने में मेरे नंबर तो कट नहीं रहे तो मैं क्यों नहीं गेस करूँ. एंड इसका आंसर है प्यूर्टो रिको ही आंसर है इसका. Arecibo टेलीस्कोप वहाँ पर था for emitting signals which were mounted on 150 meter above the dish. Okay, so once again a reminder to you to install the Unacademy learning app. Aap aise search karke use install kar sakte hain. Phir aap jab usko kholenge to usme aapko plus ka option milega. Plus ke baad mein aap jayenge to aapko cat ka option milega. Cat ke baad mein aap wahan se subscription le sakte hain. और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए आप हांडा कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे कि आपको 10% ऑफ मिलेगा. एंड आई थिंक फ़िलहाल के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, जितना ज़्यादा इस लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, दैट मेनी मोर सच क्लासेस आई विल बी एबल टू टेक. तो फ्राइडेज को मैं कुछ अलग करता हूँ अदर देन दी रेगुलर स्टफ. तो जैसे कि आज मैंने 3 क्लास ली LRDI के ऊपर. आई थिंक सम ऑफ राकेश तो थे उसके अंदर. सो दीज थिंग्स कैन रियली रियली हेल्प यू फॉर LRDI. अगले वीक क्या करूँगा, कोशिश करूँगा जैसे Z21 का किया है वैसे ही मैं अगले वीक Z20 का पेपर डिस्कस करने का प्लान करता हूँ. तो चलो जी, आज के लिए इतना ही. होप यू विल लाइक दिस वीडियो, होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो. सी यू टुमारो with a different topic. Bye everyone.